वार्ड नंबर 171 में जो है ड्रेनेज के काम की जो है आज ओपनिंग हो रही है। आप देखेंगे जो है यहाँ पे जो आबिद भाई जो यहाँ के जो शिवसेना की तरफ से जो आए हुए हैं और उनके नेतृत्व में, और मैडम नीलोफर मैडम भी यहाँ पर है और उनकी पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है। क्या बोलते हैं खान साहब, क्या बोलते हैं, काम कैसा लग रहा है आपको, क्या है? काफ़ी अच्छा लग रहा है और ये हमेशा काम होते रहना चाहिए, लेकिन क्या है कि हम लोग कॉर्पोरेटर के पास जाते नहीं है और उनको कोई चीज़ की याद दिलाते नहीं है। अब हम ये सोचते हैं कि कॉर्पोरेटर बैठे बैठे वहाँ से यहाँ की खबर ले ले, और ये जो हमारी टीम है, हमारे रिजवान भाई और यहाँ के जो हमारे लोग हैं, इन्होंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी जद्दोजहद की और उन्हें जाके याद दिलाया, तो आज उसका जो शुरुआत जो होने जा रही है, तो ये हमारे यहाँ के जो सीनियर आदमी हैं बुजुर्ग हैं, उनके इसका शुभारंभ करेंगे। रिजवान भाई क्या बोलते हैं आप? नहीं, विजय भाई ने बहुत अच्छा कोऑपरेट किया, क्योंकि ये ड्रेनेज के लिए हम लोग काफ़ी दिन से परेशान थे, सारी पुरानी ड्रेनेज चौकअप हो चुकी थी, हमेशा ओवरफ्लो होता था, मैंने कई वीडियो बना के उनको शेयर किया हुआ है। तो सानवी टैंडल मैडम ने भी हमको बोले कि ठीक है, आज की डेट में आपका नारे उद्घाटन कर लो, कल से इंशाल्लाह काम चालू कर देंगे। मैडम आप क्या बोलते हैं, वार्ड में जो ज़्यादा काम तो होता नहीं है, आज पहली बार उस काम दिखने में आ रहा है ऐसा? सानवी टाइम मैडम के पास, उनके पास जो भी काम लेके जाते हैं वो पूरे होते हैं, और आज तक मैंने जो भी काम लेके गई मोहल्ले के वो पूरे हो गए। जिस तरह से आज हमारी चाली में ये काम हुआ है विजय टांडेल साहब की तरफ से, हम लोग ये चाहते हैं कि जैसे हमको देखिए और लोगों की जो काम बाकी है वो अपनी बातें वहाँ रखे और हमारे मोहल्ले को अच्छे और अच्छे से अच्छा बनाए। जो हमारे मोहल्ले में गंदगी हो रही है, विजय भाई जो है हमेशा तैयार है, लेकिन हम लोग आगे से आगे जाएंगे तो बेहतर है।